इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप ऐसे दिखने से लेके वैसे कैसे दिख पाएंगे, वो भी कुछ ही महीनों के अंदर। इस 6 महीने की जर्नी के दौरान मैंने लगभग 10 किलो वजन कम किया है। इनिशियली 88 केजी से मैंने स्टार्ट किया था, फिलहाल मैं 77 केजी तक पहुंच चुका हूं। तो मैंने 10 किलो से ज्यादा ही वजन कम किया है, बट बेसिकली मेरा गोल था 76 केजी। इस जर्नी के दरमियान मेरा कमर का साइज था वो 39 था, जिसे घटाकर मैंने 35 तक लेके चला गया हूँ। आज होने वाली है वेट लॉस की मास्टर क्लास। पूरा वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट एक्सरसाइज, दूसरा पार्ट कार्डियो और तीसरा पार्ट मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि आपको कितना वेट कम करना है कितने टाइम के अंदर। एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिसाइड किया था कि मैं 10 केजी वेट लूज करूंगा 5 महीने के अंदर, इसका मतलब हर महीने 2 किलो वजन। देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज, ताकि हम अपनी एक्सरसाइज और कार्डियो प्लान कर सके। सभी को पता है कि 7700 कैलोरीज मतलब एक, इसका मतलब 3850 कैलोरीज पर वीक, या फिर कहें कि 521 कैलोरीज पर डे। यदि आपको 2 किलो वजन हर महीने कम करना है तो एटलीस्ट आपको हर रोज 521 कैलोरीज कम खानी होंगी। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ऐसा रूटीन फॉलो करना है जो आप लंबे समय तक कंटिन्यूअसली फॉलो कर सके विदाउट चीटिंग। यदि आप चीटिंग करने का मन रखेंगे अपनी डाइट के अंदर तो इट इज इम्पॉसिबल टू फॉलो इट। अब सवाल आएगा कि हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए वेट लॉस के दौरान। वेल, वेट लॉस के फेज के दौरान वो बॉडी पार्ट्स जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो सिकुड़ के छोटे हो जाते हैं, और जो बॉडी पार्ट्स एक्सरसाइज करते हैं उनका मसल मास मेंटेन रहता है, वो अपनी साइज बरकरार रखते हैं। तो यदि आप सूख के कांटे नहीं बनना चाहते तो आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। ऑल्सो इट इज वेरी 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 इफेक्टिव इन बर्निंग कैलोरीज, जो कि हम आगे देखेंगे कैसे। तो हम अपने पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, कितनी एक्सरसाइज चाहिए। तो इसका आंसर है, इसको हम 2 भागों में बताते हैं। पहला भाग यदि आप मेल हैं, दूसरा भाग यदि आप फीमेल हैं। यदि आप मेल हैं तो एक्सरसाइज आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करनी होगी, पुश पुल एंड लेग। यदि आप जिम जा सकते हैं तो बेंच प्रेस कीजिए, पुलअप्स कीजिए और स्क्वाट्स लगाइए। यदि आप जिम नहीं जा सकते वो अपने घर पुशअप्स पुलअप्स और स्क्वाट्स बहुत ही इजीली कर सकते हैं। यदि आप फीमेल हैं और ये सारी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकती है, उसके बदले आप सिर्फ हैंग कर सकती हैं। यदि पुशअप्स नहीं कर सकती तो आप पुशअप्स पोजीशन कर सकती हैं, और यदि आप स्क्वाट्स नहीं कर सकते तो आप लंजेस कीजिए। बेसिकली आप कुछ भी एक्सरसाइज करें, 5 सेट कीजिए 10 के। अब बात करते हैं कार्डियो के बारे में। डेफिनेशन के तौर पे वो कोई भी चीज जो आपके हार्ट रेट को बढ़ा देती है उसे कार्डियो कहते हैं। वो कोई भी बहुत ही इंटेंसिटी वाली चीज हो सकती है, जैसे कि रनिंग, स्किपिंग, या फिर कोई गेम्स हो सकते हैं जैसे कि वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, या फिर एकदम सिंपल चीज भी हो सकती है जैसे कि वॉकिंग। अब जैसे कि मेरा गोल था कि मुझे रोज 521 कैलोरीज बर्न करनी होगी ताकि मैं 1 महीने में 2 किलो वजन कम कर सकूं, और मैंने डिसाइड किया कि मैं सबसे इजी कार्डियो करूंगा, मतलब वॉकिंग करूंगा। और यदि आप 10,000 स्टेप्स के करीब वॉकिंग कर लेते हैं तो आप लगभग 400 से 500 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर वेट। अब यदि मैं रोज आधा घंटा वॉकिंग करूंगा तो मैं लगभग 100 से 125 कैलोरीज बर्न कर लूंगा। उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि लोगों को ये गलतफहमी है कि एक्सरसाइज करने से बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न हो जाती है कार्डियो के मुकाबले। मतलब यदि आप 1 घंटे जिम करते हैं और 1 घंटे वॉकिंग करते हैं तो जिम वाला ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है, क्योंकि जो 1 घंटा जिम करता है वो कहीं भी 1 घंटा वॉकिंग करने के हाफ के बराबर भी नहीं होता है। यदि वीडियो के किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगा है कि वीडियो हेल्पफुल है और वो आप चाहे तो हमें लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 80% ऑडियंस अनसब्सक्राइब्ड है, आई एम हैप्पी विद दैट। बहुत बढ़िया, तो लगभग 50 कैलोरीज हमने एक्सरसाइज से बर्न की और 100 कैलोरीज हमने वॉकिंग करके बर्न की, तो कुल मिला के हमने 150 कैलोरीज बर्न कर ली। तो 521 माइनस 150 करेंगे तो लगभग 375 के कैलोरीज और बच गई। और ये 375 कैलोरीज हम कैसे बर्न करेंगे, हमारे सीक्रेट टेक्निक से। इस वेट लॉस की जर्नी के दरमियान आपको याद रखना है कि रोज आपको अपना वेट ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से किसी दिन यदि आपने वेट कर लिया और वो उसी दिन ज्यादा दिखा रहा है तो आपको लगेगा कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, जो आपको अपनी जर्नी से बाहर फेंक देगा, जो कि बहुत ही बेकार होगा। आप यदि रोज वेट करेंगे एक ही समय पे सुबह फ्रेश होने के बाद, तो आप देखेंगे कि आपका किसी दिन वेट ज्यादा आ रहा है, किसी दिन कम आ रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आपका ओवरऑल वेट कम ही हो रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको दिन में हर रोज एक ही समय वेट करना होगा सुबह अपनी एक्टिविटीज के बाद। यदि आप दिन में कभी और करते हैं तो आपका वजन बढ़ा हुआ ही आएगा। तो यदि आपने एक दिन शाम को वजन किया जिसमें आपको 85 केजीज दिखा दे और दूसरे दिन सुबह वेट कर लिया जब आपका पेट खाली हो चुका है, 85 और 83 दिखा देगा, आप एक ही दिन में 2 किलो वेट कम कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है।
हाँ, सबको पता ही है कि वो सीक्रेट टेक्निक क्या होने वाली है। वो होने वाली है डाइट। वैसे तो इंडियन डाइट बहुत ही रिच और बैलेंस्ड डाइट होती है, लेकिन वी टेंड टू ओवर ईट। तो बेसिकली हमको कुछ कैलोरीज कम करनी होगी जिससे हम 375 कैलोरीज ओवरऑल कम कर सके। अब 375 कैलोरीज कम करने के लिए ये जानना जरूरी है कि दिन में जो जो खाता हूँ उसमें कितनी कैलोरीज है। जब आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली किसमें कितनी कैलोरीज है, तो आप एक दो चीज हटा देंगे एंड देन दैट्स इट, 375 कैलोरी कम हो जाएंगी। और ये करते वक्त मैंने कि हमारी पूरी डाइट का सबसे बड़ा अपराधी है तेल। 1 ग्राम तेल के अंदर, चाहे वो तेल हो या घी हो या बटर हो, लगभग 9 कैलोरीज होती है। अब इसका वैसे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि मैं आपको कहूँ 1 चम्मच तेल में सिर्फ 10 ग्राम होता है और 10 ग्राम में मतलब 100 कैलोरीज होती है। मतलब यदि आप 1 चम्मच तेल दिन में कम करेंगे तो आपकी 100 कैलोरीज कम हो गई। रिडिकुलस, इट्स वेरी इजी। मतलब 1 चम्मच तेल कम कर दीजिए अपने खाने में से, 100 कैलोरी कम हो गई। यदि आप 2 चम्मच कम कर पाए तो 200 कैलोरीज। सीरियसली, मतलब आपको अपनी डाइट बहुत कम करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक और सबसे बड़ा कल्प्रिट है हमारी डाइट में, वो है रोटी। अब नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि चावल खा के वो मोटे हो गए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि टेक्निकली चावल पकने के बाद 3 गुना हो जाता है, बट रोटी जो गेहूं से बनती है वो पकने के बाद 3 गुना तो क्या, कुछ भी गुना नहीं होता, वो सेम ही रहता है। उसकी एरिया वो कवर करता है वो सेम रहता है, और चावल उसका 3 गुना हो जाता है। मतलब आपका पेट इतना बड़ा है तो आप इतना ही उसके अंदर आटा भर सकते हैं और उतना ही चावल, लेकिन चावल सिर्फ इतना ही चाहिए क्योंकि वो पकने के बाद बड़ा हो जाता है। तो बेसिकली एक रोटी एवरेज में यदि छोटी होती है तो 80 कैलोरीज, यदि बड़ी होगी तो लगभग 120 कैलोरीज। यदि आप 2 चम्मच तेल और 2 रोटी कम करें, या कई बार तो 1 रोटी कम करने से ही आपकी डाइट में इतनी कमी आ जाएगी वेरी इजीली। दैट्स इट। अब आप इस स्मॉल चेंजेस के साथ, जिसमें आपके वर्क रूटीन में कोई चेंज नहीं आएगा, आपकी डाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 महीने में 2 kg आप वजन कम करेंगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इस तरह से आप यदि 10 किलो कम करना चाहें, 50 किलो कम करना चाहें, तो आप काउंट कर सकते हैं कि आपको कितने महीने लगेंगे। जैसे मैंने लगभग 10 किलो वजन कम किया, मुझे लगे 5 महीने, एक्चुअली 6 लग गए, क्योंकि जैसे जैसे एंड आता है वेट बहुत ही स्लोली घटता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली मैंने क्या डाइट फॉलो की पूरे कैलकुलेशंस के साथ, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट।